हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बैंको करियर एकेडमी की यूट्यूब क्लास के ऊपर। मैं विकास शुक्ला एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस परिवार के अंदर। स्टूडेंट्स, अपन बैंक एसएससी और सीएटी की फॉर्मेट के तहत अपन ने एक क्लास पहले भी देखी थी, कोरियन डिकोडिंग का क्लास देखा था जिसमें आप सभी ने बहुत अच्छा तरीके से उसको सीखा था। आज उसी पैटर्न पर आज अपन दूसरी क्लास लेके आ रहे हैं, रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन का टॉपिक जिसकी पार्ट फर्स्ट रहेगी। ठीक है, इस टॉपिक में जितनी भी आपको ट्रिक्स वगैरह है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है, बेस्ट से बेस्ट मैटर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा और उसके साथ साथ मैं आपको समझाने की भी भरपूर कोशिश करूँगा। तो चलिए जो है इस क्लास के अपन शुभारम्भ करते हैं। अगर आपको आज की क्लास में कुछ सीखना है, अगर आपको जो है रिलेशन में कुछ सीखना है तो क्लास के अंत तक जरूर बनी रहेगा और उसके साथ साथ इसकी आने वाली दो तीन क्लास भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से उसको देखनी होगी। रिसेंटली आपके कुछ एग्जाम्स जो है आने वाले हैं जिसमें ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपको ये सभी को बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जो इस परिवार में जो जुड़ना चाहे अपने बैंको अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो जुड़ना चाहें उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप क्लास से पहले या क्लास के अंत तक जाते जाने से पहले आप एक बार इसका सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। उसके साथ साथ अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपन रिलेशन वाले टॉपिक में पार्ट फर्स्ट पढ़ना जा रहे हैं। इसके दो पार्ट में बन सकता है। एक तो आपका बन सकता है कोड वाला जिसमें आपको कुछ ना कुछ कोड दे देता है और एक लाइन के अंदर पूछ लेता है। ठीक है, एक आपको देगा लैंग्वेज का जिसमें आपको तीन या चार लाइन दे देगा। उस चार लाइन के अंदर आपको जनरेशन गैप काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, जैसे तीन गैप मिल जाएगा, चार गैप मिल जाएगा, इस टाइप से। तो बनिए रहेगा लास्ट तक, आपको दोनों ही क्वेश्चन मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये है बेटा, आपका कोडेड सिस्टम, कोड वाला जिसमें देखो आप लोग देख सकते हो कि हैश है, कॉपीराइट है, स्टार है और एट द रेट ऑफ है। ये इसको हम बोलते हैं कोड रिलेशनशिप क्वेश्चन। इसमें आपको करना क्या है, आपको इसमें बताना क्या है, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आपको पूछ कर रखा है कि आई कॉपीराइट टी हैश जी क्वेश्चन मार्क एस हैश एच, आपको ये बात पूछा है और आपको बताना है क्या है इसमें। ये देखो जरा, व्हाट विल बी द कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा सिंबल को प्रेस करना होगा जिससे आई इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एच, जिससे क्या हो जाएगी, आई जो है वो ग्रैंड मदर हो जाएगी किसकी, एच की, इस टाइप से आई जो है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाएगी किसकी, यहाँ पर एच की। पैटर्नल ग्रैंड मदर होने का मतलब यहाँ पर एक की एच का पिता मैंशन किया गया है, इस टाइप से। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो देखो, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन आपको बताना क्या चाह रहा है, आपको बोलने वाला है कि आई जो है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर होना चाहिए, किसका होना चाहिए, एच का। इसका मतलब आई को आप ऊपर ही ऊपर लिख सकते हो, प्रेस कर सकते हो, उसमें तीन जनरेशन गैप आ गई तो आई माइनस होगा, कन्फर्म होगा क्योंकि ग्रैंड मदर बोल के रखा है। पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब हो गया पापा की तरफ से, इसका मतलब यहाँ पर एच का पिताजी भी मैंशन किया गया है, एच का पिताजी भी मैंशन किया गया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो पिताजी आई का बच्चा होगा और वो पिताजी जो है वो इस एच का पिता होगा, ऐसा कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। आई कॉपीराइट टी ये बताना चाह रहा है आपको, एक बार मैं इसको और एड्रेस कर देता हूँ फिर अपन शुरुआत से इसको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, आई कॉपीराइट टी, कॉपीराइट का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कॉपीराइट का मतलब पी इज मदर ऑफ क्यू, आई माता है, आई माता है किसकी, यहाँ पर टी की, आई माता है किसकी, टी की। ठीक है, टी हैश जी, हैश जी का मतलब आपको कहना चाह रहे हैं P इज द सिस्टर ऑफ Q, इसका मतलब ये हो गया कि सब T जो है वो सिस्टर है यहाँ पर किसकी, Q की, T सिस्टर है किसकी, यहाँ पर Q की। ओके डन, सिस्टर मतलब मैं प्लस मेल मेंबर्स माइनस फीमेल मेंबर, इसको मैं इस प्रकार से इंडिकेशन करूँगा, प्लस मेल मेंबर्स। ठीक है बेटा, आगे चलो, अगले पॉइंट में आपको यहाँ पर डाल दिया क्वेश्चन मार्क तो इसको एक बार छोड़ना पड़ेगा। आगे देखो एश हैश एच, हैश का मतलब हो जाए ये से बोलने वाला आपको, ऐसे जो है वो बहन है किसकी, यहाँ पर एच की, ऐसे बहन है किसकी, यहाँ पर एच की। इस आई को आपको माता घोषित करना है बेटा तो साफ तौर पर आपको ये जरूर बताना होगा कि प्लस कौन हो सकता है। देखो यहाँ पर टी तो जो है वो माइनस है, अपन को पैटर्न ग्रैंडफादर की, ग्रैंड मदर की तरफ बात करनी है तो ये क्यों हो जाएगा आपका, कौन प्लस, क्यों प्लस हो जाना है। अब इस एच का ग्रैंड मदर कौन है, आई है, तो इसे क्यों का रिलेशन इन दोनों के साथ में होना चाहिए, चाहे एच को भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पर ये कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन ये एच का प्लस होना या फिर माइनस होना ये डिफाइन नहीं है, लेकिन ये एच और एस बच्चे होने चाहिए इस क्यों के, तभी तो ये आई जो है पैटर्नल ग्रैंड मदर कहलाएगी। बात क्लियर, अब कौन क्या है इससे अपन को मतलब नहीं रखना चाहिए। तो जी
जी क्वेश्चन मार्क और आपका लिखा गया है यहाँ पर एस, जी क्वेश्चन मार्क और एस लिखा गया है, अपन को इनके बीच में अपन को बताना है, ये बताना है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अच्छा यहाँ पर टी, यहाँ पर जो है एक सॉरी क्यू है, इसको थोड़ा सा आप जी की जगह क्यू कर लेना, इसको यहाँ पर क्यू है, ठीक है। अब आगे जाओ, तो क्यों क्वेश्चन मार्क और एस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्यों पिता होगा किसका, यहाँ पर चाहे वो एस का हो चाहे वो एच का हो, तो पिता वाला फॉर्मेट किन से पर है आपका, एट द रेट ऑफ है, क्योंकि फादर बोल कर रखा है, तो आपका जो आंसर आना है वो एट द रेट ऑफ आना है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चार नंबर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला एक और क्वेश्चन देखो जरा, क्या कहना चाह रहा है आपको, आपको एच इज़ द पैटर्नल आंट ऑफ आई, मतलब चाची या फिर बुआ, इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं, पैटर्नल जहाँ पर सब जाता है इसका मतलब पापा की तरफ से हो जाता है, क्या एच आई की पैटर्नल आंट है, इसका मतलब एच डिफाइन किया गया है यहाँ पर, सॉरी एच को डिफाइन किया गया है यहाँ पर किस रूप में, फीमेल के रूप में, कि भैया आपको एच को फीमेल ही मानना है, ठीक है। देखते हैं, हैश मीन्स सिस्टर, तो एच सिस्टर हो गई यहाँ पर किसकी, जी की, जी हैश आई, और जी अगेन सिस्टर हो रही किसकी, आई की, तो बेटा पहला वाला फॉर्मेट तो नहीं होगा क्योंकि अपन को पैटर्नल आंट चाहिएगा, ठीक है। आगे देखो दूसरा पॉइंट देखो, एच हैश एफ, एच एच जो है वो मतलब क्या है, सिस्टर है किसका, एफ का, एच सिस्टर है किसका, एफ का, एफ एट द रेट ऑफ आई, और एफ फादर है किसका, आई का, तो ये बुआ हो जाएगी इस टाइप से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका, सेकेंड। इसकी फास्ट अप्रोच भी अपन को लगानी हो सकती है, लगानी पड़ सकती है, हालांकि मैं तो ये आपको फैमिली ट्री के अनुसार जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका फैमिली ट्री के अनुसार मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फैमिली ट्री आपको नहीं बनाना है, जब कोटेड रिलेशनशिप आए तो इसकी फास्ट अप्रोच भी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर सेकेंड है, फिर भी मैं इसकी एक बार फास्ट अप्रोच जरूर रखने की कोशिश करूँगा, देखिए जरा कैसे। हाँ, अपन को मालूम तो चल गया कि भाई सेकेंड ऑप्शन अपना आंसर आ चुका है, तो तीसरा ऑप्शन गलत क्यों है उसको भी अपन चेक कर लेते हैं। हालांकि आपको इसमें कहना क्या चाह रहा है, भाई ये तो सिस्टर हो गई एच, तो किसकी हो गई, एफ की। अब यहाँ पर एफ कॉपीराइट माता हो गई, माता मतलब मैटरल आंटी हो गई, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाना है आपका। चौथा ऑप्शन भी की तरफ देखो, फादर बता के रख रहा है यहाँ पर एच को, जबकि अपन को एच को तो माइनस घोषित करना है, इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा आएगा, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आएगा। उम्मीद देखिए आपको ये दो क्वेश्चन जरूर से जरूर सबको समझ में आ गए होंगे, और अगर क्लास आपको लग रही है सब आगे भी क्लास अपनी बैठे जाने वाली है, तो लाइक का बटन भी जरूर से जरूर दबाइए और इस क्लास को शेयर भी करते रहिए, ये काम आपका है, बाकी का काम मेरा है आपको समझाने का, ठीक है। आपको सिर्फ लाइक और शेयर जरूर आपको करना होगा। आगे नेक्स्ट, ए एट द रेट ऑफ सी, एट द रेट ऑफ मतलब हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो ए फादर है किसका, फादर हुआ सी का, ए पिता है किसका, सी का, ठीक है। सी हैश डी, हैश का मतलब होने वाला है यहाँ पर कि पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, इसका मतलब सी सिस्टर है किसकी है, डी की, तो यहाँ पर एक एक कितने बच्चे हो गए, दो, कौन कौन, सी एंड डी। उसके बाद में डी कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब है मदर, डी माता है किसकी यहाँ पर, बी की, डी माता है किसकी यहाँ पर, डी की, तो अपने पास में ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया एंड बी आ गया, ठीक है। डी माता है किसकी यहाँ पर, बी की, ओके। पूछना क्या चाह रहा है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछना क्या चाह रहा है आपको, आपको पूछना क्या चाह रहा है वो चेक करिए अब जरा। आपको पूछना यह चाह रहा है कि हाउस बी रिलेटेड टू ए, बी ए से किस प्रकार रिलेशन रखता है, कौन, बी, ये जो बी है किससे, ए से। अब सबको पता है यहाँ पर कि बी जो है वो आपका ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंडसन होना है, लेकिन बी कौन है, प्लस या फिर माइनस, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं कर पाऊँगा, तो सी एंड डी ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर तीन भी सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, ये आपके स्क्रीन के सामने, अभी तक जितने भी क्वेश्चन अपन ने बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा चलने लग रहा है, सारे के सारे कोड वाले हैं, तो अपन बोल सकते हैं कोडेड रिलेशनशिप क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो जरा, आपको इस एक्सप्रेशन को फॉलो करना है, और पूछने वाला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, कौन सा नीचे दिए गए पॉइंट आपका सही लग रहा है, चलो देखते हैं। ए बराबर ई, बराबर का मीन्स पता रखना है अपने, इक्वल्स का मतलब हो गया आपका, पी सन ऑफ क्यू, इसका मतलब ए पुत्र है किसका, पुत्र हुआ ई का, ई कौन है, प्लस या माइनस, ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। ई डॉलर जे, डॉलर मीन्स आपको कहने वाला है कि पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, इसका मतलब ई डॉटर है किसकी यहाँ पर, जे की, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी एक रिलेशनशिप ऊपर बनेगी। एक सेकंड के लिए मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। वापस देखिए जरा क्या कहने वाला है, ए इक्वल ई, ए जो रहेगा वो सन है किसका, ई का, ए
सन है किसका, ए का। आगे नेक्स्ट, ई डॉलर जे, ई पुत्री है किसकी, जे की। अब यहाँ पर ई कौन है ये डिसाइड नहीं है। जे हैश एन, हैश मतलब जे फादर है, पिता है किसका, पिता हुआ एन का, वो फादर किसका हो रहा है, ई का, और एक और बताना लग रहा है एन का भी फादर हो गया, ठीक है। एन इज इक्वल टू टी, और एन जो है वो क्या है, सन है, किसका सन हुआ बेटा, एन फिलहाल सन हो रहा है जे का, लेकिन वो जे का सन होने के साथ साथ में वो टी का भी सन हो रहा है, तो इसका मतलब जे और टी आपस में क्या हो गया, कपल्स, कपल्स होने का मतलब ये हो गया माइनस, क्या हो गया बेटा, माइनस, ठीक है। अब आपको पूछना क्या चाह रहा है, क्या ए इज द फादर ऑफ एन, क्या ए फादर है एन का, नहीं, आप लोग ये गलत कर सकते हो, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। जे इज हस्बैंड ऑफ टी, जे हस्बैंड ऑफ टी, ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो सकता है नहीं, हो सकता है, क्योंकि इसमें अपने पास में ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड ट्रियो लिखा हुआ है, तो सेकंड डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन थर्ड भी एक बार चेक कर लेते हैं। टी इज ग्रैंड मदर ऑफ ई, क्या टी इस ई का ग्रैंड मदर है, अब एक बार चेक करो, टी इज ग्रैंड मदर ऑफ ई, क्या टी ई का ग्रैंड मदर है, आप लोग बोलोगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो जरा, ए आपका बताने लग रहा है, ए जो है वो इक्वल्स टू ई, पी सन ऑफ क्यू, इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो पुत्र है किसका, ई का, आपने ई को ऊपर लिखा, ठीक है ना। ई डॉलर जे मतलब देखने वाला है कि ई जो है वो पुत्री हो रही किसकी, जे की, तो आपने जे को प्लस घोषित कर दिया और ये माइनस हो गया। उसके बाद जे हैश एन, हैश का मतलब जे पिता हो गया, तो ये प्लस घोषित हो गया और यहाँ पर आपने एन को लिख दिया, डन। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है कि इक्वल का मतलब एन पुत्र हो रहा है टी का, एन पुत्र हो रहा है टी का, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर सही सेकंड आ जाएगा, ओके डन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो जब, अगेन आपके पास में एक क्वेश्चन देकर रखा है ये वाला, और पूछने वाला क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जे एंड वी, जे और वी के बीच में रिलेशन बताना है आपको, तो पहले इस डायग्राम को अपन को मेंशन करना होगा, करें स्टार्ट, देखिए बेटा आराम से देखना, ठीक है। देखिए लिखा गया जे हैश टी, हैश का मतलब हो गया फादर, जे फादर हो रहा है किसका हो रहा है, टी का, एक सेकेंड, जे फादर हो रहा है किसका, फादर हो रहा है टी का, उल्टा कर दिया, जे फादर है किसका फादर हुआ, टी का, ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है, ठीक है, हैश का मतलब जे इज पी, जे इज फादर ऑफ टी, ओके। टी एट द रेट ऑफ डब्ल्यू, एट द रेट ऑफ का मतलब हो गया पी इज मदर ऑफ क्यू, टी माता है किसकी, डब्ल्यू की, टी माता हो रही है किसकी यहाँ पर, डब्ल्यू की। डब्ल्यू बीटा आर, बीटा मतलब हो गया कि पी सिस्टर ऑफ क्यू, डब्ल्यू सिस्टर हो रही किसकी, क्यू की, इसका मतलब माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर टी के दो बच्चे हैं, कौन कौन, क्यू एंड डब्ल्यू, और सॉरी क्यू नहीं है, आर है यहाँ पर, इसको आप आर माने, आर इक्वल वी, आर जो है वो पुत्र हो रहा है किसका, वी का, तो आर प्लस हो रहा है किसका, प्लस हो रहा है, फिलहाल तो आपके पास में यहाँ पर टी देखा रखा है, लेकिन वो वी का भी प्लस है, पुत्र है, तो वी यहाँ पर कौन जाएगा, प्लस, और ये हो गए कपल्स, क्योंकि टी टी ने आपने जो है वो माइनस माना था, ठीक है, एट द रेट ऑफ मतलब मदर बोला था आपने, ओके डन। तो जे और वी के बीच में आपस में रिलेशन क्या है, तो ये आप बोल सकते हो फादर इन लॉ ससुर का, फादर इन लॉ ससुर का, और सन इन लॉ दामाद का, जे एंड वी के बीच में, ठीक है, जिसमें जे जो है वो वी का तो लगेगा ससुर, जे जो है वो इस वी का क्या लगेगा, ससुर, और वी जो है वो क्या लगेगा इस जे का, दामाद। अब चेक करो, जे इज फादर इन लॉ ऑफ वी, आप लोग बोल सकते हो बिल्कुल सही, जे फादर इन लॉ इस वी का, जे इज डॉटर ऑफ वी, गलत, पुत्र नहीं है, जे इज भाई भी नहीं है, और जे पिता भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कैंसिल हो जाएगा आपका, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाँच क्वेश्चन सॉलिड क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अब बात करते हैं लैंग्वेज क्वेश्चन के ऊपर, कौन से क्वेश्चन के ऊपर, लैंग्वेज के क्वेश्चन के ऊपर, पांच क्वेश्चन आपने देखे थे कोड वाले, अब अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज के, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, एम एन ओ पी क्यू एंड आर, एम एन ओ पी क्यू एंड आर सिक्स मेंबर ऑफ ए फैमिली, इस फैमिली में कितने मेंबर्स है, छः, एन इज द ब्रदर ऑफ क्यूज हस्बैंड, एन जो है वो भाई हो रहा है किसका, क्यू के हस्बैंड का, तो क्यू का हस्बैंड मेंशन किया गया, इसका मतलब क्यू माइनस है, उसका भाई क्यू का हस्बैंड मेंशन किया गया, उस हस्बैंड का भाई
कौन हो रहा है यहाँ पर, एन, एन इज ब्रदर ऑफ, एन जो है भाई हो रहा है किसका, क्यूज हस्बैंड का, क्योंकि हस्बैंड का भाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एम इज सन ऑफ पी, एम पी का पुत्र हो रहा है, एम पुत्र हो रहा है किसका, पी का, तो एम इज द सन ऑफ पी, पी वो इज द ग्रैंडफादर ऑफ आर, पी ग्रैंडफादर है, तो पी प्लस हो जाएगा किसका, ग्रैंडफादर हुआ यहाँ पर आर का। मेंबर कितने हैं आपके पास में, छः, एक फैमिली है, मैंने एक को फैमिली को यहाँ बनाया और एक फैमिली मेरा यहाँ पर है, दो अलग अलग फैमिली नहीं बेटा, ये सिर्फ एक ही फैमिली है, अपन उनको लास्ट में जोड़ेंगे, ठीक है। आगे देखो जरा क्या कहना चाह रहा है, ओ इज द सिस्टर ऑफ आर, ओ सिस्टर है किसका, आर का, तो ओ माइनस हो जाएगा, ठीक है। दे आर टू फादर्स, इस फैमिली में दो पिता हैं, एक जोड़ा भाइयों का है, एक जोड़ा सिबलिंग का है, और एक मदर है, एक माता है, ये बोलने चाह रहा है आपको, तीन जो है फैमिली में जनरेशन गैप चल रही है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो बेटा जी बात ये है कि अगर मैं पी को ऊपरी ऊपर लिख देता हूँ, पी को ऊपरी ऊपर लिख देता हूँ, ये मेरा पी हो गया, ऊपरी ऊपर लिख दिया मैंने, पी का एक बच्चा मेंशन किया गया कौन था यहाँ पर, एम, अगर मैं एम को यहाँ पर इस प्रकार से घोषित कर देता हूँ तो पी के यहाँ पर दो बच्चे हो गए, कौन कौन, यहाँ पर एम भी हो गया और एन भी हो गया, जिसमें एम कौन हो गया, प्लस हो गया। अब दो पिताजी के बारे में बोल कर रखा था, टू फादर्स, तो फादर्स तो एक तो हो गया बेटा, कौन, पी हो गया, जिसके दो बच्चे हैं, कौन कौन हो रहे हैं, एम और एन, ठीक है। और एक और बता कर रखा है, एक फादर और है जो कौन हो गया आपका, एम, जिसके दो बच्चे बता कर रखे हैं यहाँ पर, ओ और आर, ठीक है ना। चलो देखो आगे, नेक्स्ट, तो दो फादर हो गए, एक जोड़ा किसको होना चाहिए, भाइयों का होना चाहिए, तो एम और एन, जिसमें एक जोड़े में एक भाइयों का जोड़ा होने लग रहा है, भाई यहाँ पर कौन कौन हो रहे हैं, एम भी हो रहा है और एन भी हो रहा है, ये दोनों एक जोड़ा भाइयों का हो रहा है। दो फादर्स है, दो फादर्स में कौन कौन हो रहे हैं, एक तो पी हो रहा है और एक आपका एम हो रहा है, ये दोनों पिताजी भी हो रहे हैं, ठीक है। आगे, एक जोड़ा सिबलिंग का बताने लग रहा है, सिबलिंग का मतलब एक प्लस और एक माइनस, जिसमें एक तो माइनस हो गया, कौन, ओ, और ये आर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस, सिबलिंग का मतलब ये कहता है आपका। और एक माता भी कहकर रखी है, माता यहाँ पर कौन हो जाएगी, यहाँ पर क्यों हो जाएगी, माता जी कौन हो जाएगी, यहाँ पर क्यों हो जाएगी माता। तो बेटा ये हो गया आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको छह पर्सन के बारे में बता दिया गया, ठीक है। चलो चेक करो, उम्मीद देखिए आपको ये लैंग्वेज भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखिए, वो इज द मदर ऑफ, वो इज मदर, माता जी कौन है, तो माता आप बोल सकते हो क्यों है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, चार ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, वो इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यों का हस्बैंड कौन है, आपने बोला एम है, लगाओ आंसर एम। हाउ मेनी मेल्स मेम्बर्स आर इन देयर इन फैमिली, कितने मेल मेम्बर्स इस फैमिली के अंदर है, आपने बोलोगे तो इस मेल मेम्बर्स बताना है आपको, जिसमें एक तो हो जाएगा पी, एक आपका एम दो, एक आपका एन तीन, और एक आपका आर चार। इस फैमिली में चार जो है वो कौन हो गए आपके मेल मेम्बर्स हो गए, तो फोर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी, ओके डन। नेक्स्ट, हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू, आर क्यू से किस प्रकार रिलेशन रखता है, कौन आर किस से, इस क्यू से किस प्रकार रिलेशन रखेगा, तो देखो जरा, ये आर जो होगा इस क्यू का, आर जो है उस क्यू का सन होगा, क्या होगा बेटा, सन होगा, ऑप्शन डालिए, सन का मतलब पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीन। हाउ इज पी रिलेटेड टू एन, पी जो है वो इस एन का क्या लगेगा, कौन पी किसका, एन का, बेटा ये पी जो है वो इस एन का क्या लग रहा है, तो आप लोग बोलोगे फादर लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा, फादर लग रहा है, चेक करो फादर वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये पांच क्वेश्चन का एक पेयर था, जिसमें मैंने आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट, एक और कोडेड रिलेशनशिप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखो जरा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इफ, यदि आई इज द पैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच, आई जो होगा वो एच का ग्रैंड मदर होगा, कौन सा ग्रैंड मदर, ये भी बताना होगा आपको, पैटरनल ग्रैंड मदर बताना है, पैटरनल ग्रैंड मदर बताना है, ठीक है। चलो चेक करो, आई कॉपीराइट टी, कॉपीराइट का मतलब देकर रखा है कि आई माता हो रही है किसकी, माता हो रही है टी की, आई माता हो रही है किसकी, टी की, ओके डन। टी हैश जी, हैश का मतलब देने वाला है पी सिस्टर ऑफ क्यू, टी सिस्टर है किसकी यहाँ पर, जी की, तो ये माइनस रहेगा यहाँ पर, जी आ जाएगा और ये बच्चा हो गया इसका आई का। उसके बाद में आप इसको एक बार छोड़िए, इसको साइडलाइन कर दीजिए, उसके बाद में एस हैश एच, हैश का मतलब पी सिस्टर ऑफ एच, सॉरी एस जो है वो सिस्टर हो रही किसकी, एच की, ये बात कहना चाह रहा है। अब बेटा बात यह कि पैटर्न ग्रैंड मदर की तरह बात कर रहा है, तो अपन को जी को तो प्लस घोषित करना ही करना है, और जी और एच के बीच में, और जी और एच के बीच में अपन को ये बताना है कि साहब जी जो होगा
वो इस फादर कहलाना है एस और एच का, तो यहाँ पर एस और एच कौन कौन होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर अपन को बात करनी है एच के बारे में, तो एच यहाँ पर कौन होगा इस समय डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर एस कौन है ये जरूर बताना है। तो आपने मुझे बताया कि एस यहाँ पर इस एच की कौन लग रही है, माइनस सिस्टर लग रही है, तो यहाँ पर जो ये एस है वो पुत्री लगेगी। किसकी पुत्री लगेगी? जी, या तो ये से बोलेंगे कि साहब जी पिता लगेगा, ठीक है, पिता वाला ऑप्शन आना चाहिए, तो पिता वाला ऑप्शन में एट द रेट ऑफ आ जाएगा आपका, या फिर उल्टा बोलता तो यहाँ पर उल्टा के रूप में फिर एस पुत्री लगनी थी, ठीक है। फिलहाल आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। कॉपीराइट वाला ऑप्शन आ सकता है क्या? मदर नहीं जी, पैटर्नल ग्रैंड मदर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट में इस पैटर्नल को काट दूँ तो क्या आ गया मेरे पास में? केवल ग्रैंड मदर आ गया। कौन आ गया? ग्रैंड मदर आ गया। तो इस ग्रैंड मदर का मतलब ये हो गया कि आपको नाना की तरफ मतलब मम्मी की तरफ से भी हो सकते हैं नानी, और दादा पापा की तरफ से भी, और दादी हो सकती है। तो इस केस में यहाँ पर ये जी जो है वो पिता भी हो सकता था और माता भी हो सकती थी, ठीक है। माता वाला कौन सा ऑप्शन जो था वो कौन सा था आपका? कॉपीराइट था। ये क्वेश्चन डिटो पहला क्वेश्चन अपन ने जो पढ़ा था सेम टू सेम क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को लाने का तात्पर्य मेरा वापस क्या था? ये था कि मुझे यहाँ से एक बार इस पैटर्न शब्द को यहाँ से मुझे क्या करना था? इरेज करना था, जिससे क्या हो जाएगा कि मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग नहीं हो करके, हालांकि डिटो क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कुछ अलग हो गया। अलग क्या हो गया? ग्रैंड मदर यहाँ पर मेंशन हो गया। ग्रैंड मदर में आप लोग बोल सकते हो नानी भी बोल सकते हो और दादी भी बोल सकते हो, दोनों ही चीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ग्रैंड मदर होता है तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा आता? ई आता, और पैटर्न ग्रैंड ग्रैंड मदर लिखा हुआ है तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन भी आपने बना लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो एक और लैंग्वेज का क्वेश्चन है, उसकी तरफ बात करते हैं। देखो एन इज द सिस्टर इन लॉ पी, एन जो है वो सिस्टर इन लॉ हुआ किसका? पी का। तो आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पर एन जो है वो माइनस है, सिस इन लॉ हुआ, सिस्टर इन लॉ हुआ किसका? हुआ पी का। आप इसको फिर करके बंद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्यू इज मदर ऑफ ओ, क्यू माता है किसकी? यहाँ पर ओ की। क्यू इज मदर ऑफ ओ, क्यू माता है किसकी? ओ की। एन इज मेरिड टू के, एन की शादी के साथ में होकर रखी है। एन की शादी किसके साथ में होकर रखी? के साथ में होकर रखी है, जिसमें एन माइनस और के प्लस है। डब्ल्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, डब्ल्यू ब्रदर इन लॉ है किसका? एन का। तो आप उसको लिख सकते हो कि डब्ल्यू प्लस है, ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है किसका? ब्रदर इन लॉ हुआ एन का। आप इसको लिख कर छोड़ सकते हो। ओ इज मेरिड टू डब्ल्यू, ओ की शादी किसके साथ में हो रखी है? यहाँ पर डब्ल्यू के साथ में होकर रखी है। डी इज द फादर ऑफ एन और ओ, डी पिता है किसका? किसका? एन का भी और ओ का। तो यहाँ पर देखो ओ की माता कौन हो गई यहाँ पर? क्यों? तो डी उसका फादर हो जाएगा। इसका मतलब डी और क्यू दोनों आपस में क्या हो गए? कपल्स हो गए, और इन दोनों के दो बच्चे हैं, जिसमें एक तो ओ आ गया और एक आपका कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा, डी सॉरी डी नहीं एन आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, ठीक है। चलो जिसमें एन तो है आपका माइनस, ठीक है। अब एन की शादी किसके साथ में हो रखी है? के साथ में होकर रखी है, तो आपने यहाँ पर के को प्लस घोषित कर दिया। इसका मतलब आपने ये वाला काम भी पूरा पढ़ लिया, ओके डन। अब आपको बोलने वाला ये कि ओ की और डब्ल्यू की जो है वो कपल्स, मैरिड कपल्स है, तो डब्ल्यू यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस होगा, क्योंकि डब्ल्यू ब्रदर इन लॉ हो रहा है किसका? एन का। तो ओ यहाँ पर माइनस हो जाना है, तो आपने ये वाला फॉर्मेट भी पढ़ लिया आपने पूर्ण रूप से, और आपने ओ डब्ल्यू को कपल्स भी घोषित कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक लाइन और बाकी रहती है, इसमें एन जो है वो सिस्टर इन लॉ हो रही किसकी? यहाँ पर पी की। तो आपको एन को सिस्टर इन लॉ घोषित करना है किसका? यहाँ पर पी का घोषित करना है। इसका मतलब ये आप लोग काम कर सकते हो कि इस पी को इस के की सिस्टर घोषित कर दो, जिससे ये उसकी सिस्टर इन लॉ कहलाएगी, ठीक है। अब प्रत्येक चीज़ को अपन वापस से एक बार मेंशन कर लेते हैं। लिखा गया कि एन इज द सिस्टर इन लॉ पी, एन सिस्टर इन लॉ हो रही इस पी की, ओके डन, ठीक है। क्यू इज मदर ऑफ ओ, क्यू माता हो रही किसकी? ओ की, डन। एन इज मेरिड टू के, एन की शादी इस के साथ में होकर रखी है, डन। फिर डब्ल्यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, डब्ल्यू ब्रदर इन लॉ हो रहा किसका? एन का, डन, ठीक है। ओ इज मेरिड टू डब्ल्यू, ओ की शादी इस डब्ल्यू के साथ में होकर रखी है, डन। डी इज फादर ऑफ एन और ओ, डी फादर है एन का भी और ओ का, ये आपने बना लिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर, देखिए जरा। हाउ इज पी रिलेटेड टू ओ, पी जो होगा इस ओ का क्या लगेगा? कौन? पी किसका? ओ का। अब ये बताओ कि ये पी जो है इस ओ का क्या लगना है, आपको ये बताना है। तो पहली बात ये बताओ कि ये लंबा रिलेशन हो गया बेटा, आपकी सिस्टर
का जो पति आएगा यहाँ तक तो सीमित है, पति का यहाँ पर सिस्टर मेंशन कर रखा है तो ये थोड़ा सा लंबा रिलेशन हो गया, तो ऑप्शन में डिपेंड करेंगे, ब्रदर इन लॉ नहीं हो सकता, सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकता, ब्रदर नहीं हो सकता, तो अपन डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि लंबा रिलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही रिलेशन अपन जो है उसको क्या करते जाएंगे, इग्नोर करते जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन मेरी तरफ से बेटा सी एन डी का ऑप्शन आएगा, क्या आएगा मेरी तरफ से सी एन डी का, आप लोग ऑफिस को चेक कर सकते हो। मतलब पूछना क्या चाह रहा है कि पी जो होगा इस ओ का क्या लगेगा, पी जो होगा इस ओ का क्या लगेगा, तो इस ओ की सिस्टर कौन है आप बताओगे मुझे, यहाँ पर एन, एन के साथ ही होकर रखिए बेटा, यहाँ पर किसके साथ में, के साथ में, इसका मतलब एन का और सॉरी ओ का और के का आपस में रिलेशन बन सकता है, जिसमें यहाँ पर के जो है वो जीजा जी लग जाएंगे और यहाँ पर ओ जो है वो साली हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके जीजा की जो है मतलब बहन, इतना लंबा रिलेशन बेटा नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, तो ये वाला फॉर्मेट आपका जो है मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक बार इग्नोर कर सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ही मेरे पास में क्या जाएगा, चार। नेक्स्ट देखोगे के रिलेटेड टू ओ, के जो होगा इस ओ का क्या लगेगा, कौन के, किसका, ओ का। अब जरा ये बताओ कि ये के जो है इस ओ का ब्रदर इन लॉ लग जाएगा, क्योंकि जीजा जी लग रहे हैं, ब्रदर इन लॉ का ऑप्शन अपने पास में है क्या, है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर एक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन हो गए, तो उम्मीद है कि आपको देखो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आज अपन ने 5 क्वेश्चन समझे हैं क्वाड्रेंट के, ठीक है, 2 क्वेश्चन और समझे थे अपन ने क्वाड्रेंट के, तो 5, 2, 7, और उसके अलावा 15 में से अपने पास में 8 क्वेश्चन और बचते हैं। 8 क्वेश्चन अपन ने समझा है किसका, लैंग्वेज वाला, जिसमें दो अपन पैर बोल सकते हैं कि दो जोड़ा अपन ने, या फिर दो क्वेश्चन जो है अपन ने लैंग्वेज के भी सीखे हैं, ठीक है, जोड़ा बोल दीजिए या पैर बोल दीजिए इस चीज़ को, लैंग्वेज के दो चैप्टर अपने लैंग्वेज भी सीखे हैं, और लगभग 3 चैप्टर या फिर 5 चैप्टर अपन बोल सकते हैं अपन ने क्वाड्रेंट वाला भी सीखा है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आने वाली क्लास इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्लास होने वाली है, मेंस के एग्जाम होने वाले हैं, उस टाइप से अपन जो है क्लास को अपन लगवाएंगे, ठीक है, तो बनी रहेगा, जुड़ी रहेगा। और अगर क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और जाते जाते नया बच्चा हो वो सब्सक्राइब भी करता जाइए इस परिवार में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया, और अपन जरूर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में, ठीक है, ओके, बाय बाय।